हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों, मोदी केयर में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं इस कोरोना की महामारी में कुछ खास चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा कि अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं, अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मोदी केयर के जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए हैं, अगर हम उसका प्रयोग करें तो हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, कोरोना जैसे महामारी या कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने की पूरी क्षमता हमारे बॉडी में रहती है। अगर मोदी केयर का कोई प्रोडक्ट है, अगर हम उसका प्रयोग करें तो हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहती है, हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा जो है लीवर स्वस्थ रहता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी पूरी बॉडी स्वस्थ रहती है अगर इसका प्रयोग करें तो। क्योंकि मोदी केयर के जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे हेल्थ के लिए ही बनाए गए हैं, मैक्सिमम जो प्रोडक्ट हैं वह हमें हेल्दी रहने के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपने इस वीडियो में आज बताऊंगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे और इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगी। इसको जानने से पहले, मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो बनता है मोदी केयर का तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मोदी केयर का कौन सा प्रोडक्ट यूज करके हम अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं और कोरोना जैसी महामारी से बीमारी से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि हम अपने बॉडी का अगर इम्यूनिटी पावर बढ़ाए रहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रहते हैं तो कोरोना क्या होता है, ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में जो है प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ जाती है तो कोरोना के वायरस को ख़त्म कर देता है। क्योंकि कोरोना की कोई दवा नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दवा मार्केट में लॉन्च हुए, जैसे कि रामदेव ने जो है कोरोनिल जो है बनाया था, तो वो कोई कोरोना की दवा नहीं थी, वो सिर्फ जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दवा थी। इम्यूनिटी पावर अगर आपकी बॉडी की बढ़ जाती है तो वायरस को जो है कोरोना के वायरस को ऑटोमेटिक जो है ख़त्म कर देगा। हमारी बॉडी में खुद इतनी शक्ति है कि अगर इसमें जागृत करें, इसकी शक्ति को जागृत करें, इसकी क्षमता को जागृत करें तो हमारी शरीर वायरस को ख़त्म कर देती है, उससे भी खतरनाक वायरस को ख़त्म कर सकती है हमारी बॉडी। लेकिन ये है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आज तक कोई कोरोना की मेडिसिन नहीं बन पाई है, मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर मोदी केयर का प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और कोरोना के वायरस को हमारी बॉडी खुद मार देगी और हमें कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहला मैं आप लोग को बता दूँ कि जो मोदी केयर का तुलसी का टैबलेट है, दोस्तों तुलसी जानते हैं, ये आपकी बहुत ही कई हजार वर्षों से यह जो आयुर्वेद में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सर्दी जुकाम बुखार में प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है, लोग इसका काढ़ा बना के पीते हैं ताकि सर्दी जुकाम बुखार खत्म हो जाए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और जो है हमारा जो बुखार खत्म हो जाता है, सर्दी खत्म हो जाती है, फ्लू खत्म हो जाता है, किसी प्रकार का फ्लू का वायरस वो भी खत्म हो जाता है अगर तुलसी का प्रयोग करते हैं तो। हमारी मोदी केयर कंपनी ने तुलसी का टैबलेट लॉन्च किया है, अगर इसका हम डेली प्रयोग करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहती है, हमारे शरीर में जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, एंटीऑक्सीडेंट भी बढ़ जाता है, हर तरह से हमारे शरीर स्वस्थ रहती है तुलसी का टैबलेट अगर प्रयोग करते हैं तो दोस्तों। और दूसरा हमारे कंपनी का प्रोडक्ट है टर्मरिक, यानी हल्दी का जो टैबलेट हमारी कंपनी ने निकाला है दोस्तों, ये तो एकदम बिल्कुल रामबाण है कोरोना के लिए, इतना ज़्यादा हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ा देती है और हमारे शरीर को एक्टिव कर देती है कि न आपको बुखार होगा, ना सर्दी, ना जुकाम होगा अगर टर्मरिक का टैबलेट को अगर हम यूज कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि टर्मरिक यानी हल्दी का प्रयोग हम आज से नहीं, कई हजार सालों से जो है खाने में इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए कि हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। लोग सोचते हैं कि यह मसाले में ही सिर्फ प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यह हमारे स्किन से लेके लीवर से लेके हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, ब्लड से लेके सब में यह बहुत ही अच्छा काम करती है, एंटी एलर्जिक का भी बहुत ही अच्छा काम करती है, एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं इसमें। तो दोस्तों, ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही अच्छा काम करती है टर्मरिक। तो दोस्तों, दो टैबलेट आपको बताया मैंने, एक तुलसी का टैबलेट याद रखिए सुबह शाम लीजिए और एक टर्मरिक का टैबलेट यानी हल्दी का जो टैबलेट मोदी केयर में आया है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ आप जो है अपने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी की जरूरी है, इस समय जो हमारे बॉडी में है विटामिन सी का होना जरूरी है। इस समय क्या, हमेशा हमें विटामिन सी का जो है प्रोडक्ट लेना चाहिए या फूड लेना चाहिए, सप्लीमेंट लेना चाहिए। उसके लिए हमारे कंपनी ने आंवला का जो है जूस और आंवला का टैबलेट लॉन्च किया है, आप आंवला का टैबलेट भी यूज कर सकते हैं, आंवला का जूस भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये दोनों प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, या तो आंवला का जूस या आंवला का टैबलेट, तो आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगी और आपके शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होगी। विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है दोस्तों कि हमारी शरीर जो है इसको
कलेक्ट नहीं करती है, मतलब इसको रख नहीं पाती, जिससे और सारी विटामिन्स हैं तो हमारे शरीर में जो है हमेशा रहती है, लेकिन विटामिन सी जो है हमेशा ख़त्म होते रहती है। इसलिए विटामिन सी का प्रोडक्ट हमेशा टमाटर हुआ, जैसे खट्टा टमाटर हुआ, या तो नींबू हुआ, संतरा हुआ, ये सब ऐसी चीज़ें हमेशा हमको लेनी चाहिए, क्योंकि विटामिन सी अगर नहीं रहती है तो हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां होने लगती है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत तेज़ी से घटने लगती है, स्किन डिजीज़ होने लगती है, बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं, पकने लगते हैं, और इतना ही नहीं डाइजेशन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आंवला, दोस्तों आंवला में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन सी पाया जाता है, अगर आंवला के टेबलेट का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन सी की कमी नहीं होगी, और आपकी प्रतिरोधक क्षमता हमेशा जो है स्ट्रांग रहेगी, और आपका लीवर जो है बहुत सही रहेगा, डाइजेशन सही रहता है, आपके बाल भी नहीं जल्दी झड़ते हैं ना पकते हैं। तो दोस्तों तीन प्रोडक्ट आपको मैंने बता दिया, एक तुलसी का टैबलेट, एक टर्मरिक का टैबलेट, आंवले के टैबलेट, और एक अश्वगंधा लीजिए, अश्वगंधा का टैबलेट, इससे भी बहुत तेज़ी से जो है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और हमें स्ट्रांग रहती, हम जो है अगर इसका प्रयोग करें तो हमारी बॉडी स्ट्रांग रहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप लोग को एक मुख्य चीज़ बता दूं कि इस समय जो है कोरोना काल में बहुत सारे लोग का हार्ट अटैक के वजह से जो है मौत हो जा रही है। हार्ट अटैक की वजह से जो है क्या होता है कि ब्लड जो है क्लाट कर जाता है हमारे हार्ट में, इसके वजह से भी ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारे डॉक्टर जो है ब्लड पतला करने के लिए भी दवा चला रहे हैं, अगर अश्वगंधा का प्रयोग कर रहे हैं तो यह जो है ब्लड थिनर का भी काम करता है, ब्लड को पतला रखता है, और जो है इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग रखता है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे शरीर में शक्ति देता है, किसी को कमजोरी बहुत तेज़ी से हो रही है इसकी वजह से तो कमजोरी भी नहीं होने देता है। अगर किसी को इस समय जो है कमजोरी बहुत ज़्यादा लग रही है तो ये सारे प्रोडक्ट के साथ आप मल्टीविटामिन चला सकते हैं। अगर किसी, बहुत सारे लोग ऐसे पेशेंट आ रहे हैं कि कह रहे हैं कि सर पैर में बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है, वीकनेस लग रही है, तो आप मोदी केयर का मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल का जो टैबलेट आ रहा है उसको आप साथ में चला सकते हैं। तो दोस्तों इतना प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को बताया, मल्टीविटामिन मोदी केयर का, अश्वगंधा, आंवला का टैबलेट या तो जूस, और जो है तुलसी का टैबलेट और टर्मरिक का टैबलेट, ये सारे प्रोडक्ट याद कर लीजिए दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो मोदी केयर का टी ट्री आयल दोस्तों, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, तीनों प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। ये बहुत ही अच्छा ऑयल माना जाता है दोस्तों, और मैं आप लोग को बता दूं कि इसको जो है सिर्फ 5 बूंद उबलते हुए पानी में डालकर उसका भाप लीजिए, और दोस्तों इसके भाप लेने से क्या होता है कि हमारे गले के जरिए हमारे फेफड़े तक पहुंच जाता है, जो कि अगर कहीं भी वायरस है उसको मारता है, हमारे गले में तो 100% ख़त्म कर देगा इसका भाप ले रहे तो। और इसके तेल को जो है नाक के पास इस तरह से लगा लीजिए, इसको खुद नाक पे लगा कर खींचिए, अंदर तक जाए उसकी जो सुगंध है, गले के पास ऊपर लगा लीजिए, इससे क्या है कि बहुत तेज़ी से जो है अगर वायरस का कोई प्रकोप हो तो मर जाता है, क्योंकि ये एंटी फंगल भी कार्य करता है, एंटी वायरल काम करता है, एंटी बैक्टीरियल काम करता है। तो जो टी ट्री ऑयल है इसके जो है पानी में डाल करके उबाल करके 5 बूंद या 10 बूंद ले लीजिए, अगर ज़्यादा किसी को दिक्कत हो रही तो। इसका भाप लेने से जो नाक जाम होती है या गले में खराश होता है वो साफ हो जाता है और वायरस वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, टी ट्री ऑयल भी बहुत ही अच्छा काम करता है इसमें, तो आप इसका भी प्रयोग साथ में कर सकते हैं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना न भूलिएगा। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।